अलजीरा बनाएगी फर्स्ट इफ्तारी। हाँ, दोनों ने मिलकर इफ्तारी बनाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा था हमारे लिए बनाया, कह रही हूँ मुझे अच्छी लगी। और बनाते हैं शगला का बुम बुम वाले दही बड़े। दही बड़े में आलू नहीं डालते। इतनी अमेजिंग डिश बनाई मैंने, यहाँ पे ये दही बड़े बनाने लग पड़ी और पीछे से ये जल। Assalamualaikum everyone, this is me Hira Faisal and welcome to my YouTube channel. आप सबको रमजान मुबारक। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो झटपट से पता चल जाए। इस रमजान अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें और ढेर सारी इबादत करें। आज अभी मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हम नीचे चल के ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि अब से रूटीन चेंज हो गई है, तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे और देखते हैं कि सबका रोजा कैसा जा रहा है और आज हम इफ्तारी में क्या बनाने वाले हैं, क्योंकि आज पहली इफ्तारी है तो भाई थोड़ा सा एहतमाम, यू नो कि थोड़ा शौक होता है ज्यादा एहतमाम करने का, तो देखते हैं कि आज हम लोग इफ्तारी में क्या बनाते हैं। सो लेट्स गो। तो भाई यहाँ पे राबा मैडम अभी अभी आई है यूनिवर्सिटी से और आते साथ सोने की तैयारी में है। उठो मेरे साथ इफ्तारी बनाने में हेल्प करो। सुबह के उठो आराम से सोना, तो मैं ओए नींद आ रही है फिर इफ्तार के टाइम पर। अच्छा नमाज है तुम्हारी? नमाज़ पढ़ी है। उसे पहले उठना पड़ता है, सो के कुछ नहीं होता। उठो, मैं सुबह की उठी हूँ। और तुम्हें पता है इफ्तारी में हेल्प कराना भी ना सवाब का काम है, तो आओ और बताओ कि तुम्हारा रोजा कैसा गुजरा। मेरा अच्छा गुजरा, नॉर्मल गुजरा। अच्छा पहला रोजा, और मैंने पूरे पिछले महीने सर्दी थी, ठीक है, आज मैं सुबह यूनिवर्सिटी के लिए दरवाजा खोला बढ़ दू। रमजान से पहले बारिश हो गई थी ना, ठीक है, तो डेफिनेटली मौसम चेंज हो रहा है तो गर्मी ठंड तो साथ साथ चलती रहेगी। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये बशिंदी स्कूल से आते साथ सो गई है, मतलब क्यों? यार मैंने रोजा लग रहा था। कोई बात नहीं, पहला रोजा है ना तो थोड़ा थोड़ा तो लगता है, बट कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यस, आओ मेरे साथ उठो, इफ्तारी में हेल्प कराओ। अभी रुक जाओ, टाइम थोड़ा रह गया, कुछ घंटा दो घंटे भी नहीं रह गए होंगे। अच्छा ये अच्छा बहाने खाने का दिल करेगा तो मर्जी है भाई, मुझे ही बनाना पड़ना है और के साथ मिलकर, तो देखते हैं कि अभी क्या क्या हम बनाएंगे आपके साथ, वो सारी चीजें शेयर करते हैं। तो भाई यहाँ पे बैठी हुई है मेरी मम्मी। मम्मा बताए आज आप इफ्तारी में क्या बना रही हैं? अलजीरा बनाएगी फर्स्ट इफ्तारी। हाँ मम्मा, मैं हेल्प जरूर करूंगी लेकिन बनाएंगी आप? कल फातिमा ने सारी सैरी करवाई थी, सारी हेल्प मेरी की थी। हेल्प की थी ना, मैं भी हेल्प करूंगी। अच्छा चलो मेन्यू बता दे थोड़ा सा। उसमें सैरी में उसके सिर्फ क्या किया था, चूरी बनाई थी, बाकी सारा कुछ उसने खुद, बर्तन शर्तन दही। मैं भी बर्तन शर्तन दही वगैरह सब निकाल दूंगी। चले दही बड़े मैं बना देती हूँ, आज हम लोग दही बड़े भी बनाएंगे। सालन मैंने बना ली है, आटा गूंद ली है, ठीक है, खाना अपनी जिम्मेदारी मैंने पूरी कर ली, और जो चौंचले मोचले होते हैं वो तुम करो। डन, जो भी फ्राइंग श्राइंग का सामान है वो हम करते हैं और बाकी सारी चीजें खाना वगैरह जो सालन जो मेन है जो आफ्टर इफ्तारी खाते हैं वो मम्मा करेंगी। डन। A few moments later. Okay guys, तो नमाज वगैरह जो हमने पढ़ लिया है, done, everything is done. अब चलते हैं अपने इफ्तारी के मेन्यू की तरफ। अभी हम लोग सबसे पहले जो मुझे टास्क मिला है वो है कि दही बड़े बनाने हैं, तो भाई बनाते हैं और रेसिपी हल्की सी आपको शेयर करते हैं। तो भाई ये मेरी अम्मा लाई थी दही बड़े, तो हम इसको पानी में डिप करते हैं सबसे पहले। तो भाई मुझे पता चला कि दही बड़ों में आलू भी डलते हैं, तो भाई हमारा मेन इंग्रेडिएंट आलू है, सबसे पहले हम आलू बॉइल होने के लिए रखते हैं, सब्जियां काटते हैं और बनाते हैं शगला का बुम बुम वाले दही बड़े। तो भाई अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, मेरी अम्मा ने यहाँ पे मिक्स सब्जी का सालन बहुत ही टाइमली बना ली है, और उनका कहना यह है कि रमजान में इतना लंबा जो रोजा होता है ना, कुछ खाया पिया नहीं होता, तो जब खाना खाएं तो थोड़ा न्यूट्रिशन और थोड़ा एनर्जी से भरा हुआ, तो भाई इसीलिए उन्होंने स्पेशल मिक्स सब्जियां बना दी अपने बच्चों के लिए। यहाँ पे हमने अपने आलू बॉयल होने के लिए रख दिया, आलू थोड़ा बहुत बड़ा आलू था तो हमने उनको कट कर दिया ताकि जल्दी बॉयल हो जाए, और यहाँ पे हमने अपने दही बड़े जो है वो भी डिप कर दिए। और भी अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, जो फ्राई वगैरह करना होता है ना, जैसे समोसे हो गए, रोल हो गए या कबाब हो गए, एवरीथिंग, ये तो आप थोड़ा टाइम पहले लाइक आधा घंटा पहले भी फ्राई कर लो तो इट्स फाइन, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पहले से बना के रखनी पड़ती हैं, तो इसीलिए मैंने इन पे मेहनत पहले शुरू कर दी है। तो भाई ये मैडम आ चुकी है ऊपर से, तो बताओ भी तुम्हारा रोजा कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है फिलहाल। फिलहाल तो अच्छा जा रहा है, बस थोड़ा ही टाइम रह गया खुलने में। तो भाई फातिमा हेल्प कराओ मेरी इफ्तारी बनाने में, और तुम भी दोनों। कल मैंने खुद ही अकेले सहरी बनाई थी, तो अब तुम अकेले ही इफ्तारी बनाओ। मैंने सुना तुमने मामा की भी हेल्प ली थी साथ। मामा मेरे से ज्यादा हेल्प नहीं करा रही है, जितनी भी करवा रही हूँ अकेले अकेले बनानी पड़ती है ये चीजें। हाँ मेरे साथ यहाँ पे धोखा हुआ है, दोनों ने मिलकर इफ्तारी बनाने से इनकार कर दिया है। ओके बाय। तो गाइस यहाँ पे गंद मचना शुरू हो गया, और मेरी अम्मा आ चुकी हैं मैदान में, और यहाँ पे चेक कर रही हैं आलू के भाई टाइम थोड़ा
थोड़ा रह गया, जल्दी करो। यही होता है जब कोई और साथ हेल्प ना करे, क्योंकि देखिए सहरी में थोड़ा खाना होता है, इफ्तारी में ज्यादा डिशेज होती है, तो उसमें टाइम भी ज्यादा होता है और हेल्प भी ज्यादा चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो, टाइम ज्यादा लगता है और हेल्प भी ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने गंद मचा दिया है, यहाँ पे मैं ना थोड़ा वो दही भल्लों का सामान, साथ में पकौड़े बना रहे हैं, साथ में हम समोसे रोल और कबाब बना रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मामा ने साधन पहले से बना लिया, तो सारी चीज़ें मैं आपको बना कर दिखाती हूँ, और भी अगर कुछ ऐड हुआ पानी में भी और एवरीथिंग, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो भाई अब यहाँ पे मेरी अम्मा हेल्प कराने आई हैं पकौड़ों में, और मामा के ना स्पेशल तरह के पकौड़े होते हैं, पकौड़े कम चिप्स ज़्यादा लगते हैं, तो मामा कह रही हैं कि आज मैं वो पकाने ने पराठे। तो भैया मामा ज़्यादा बेसन नहीं ना डालते, प्याज बड़ी लगती है, इसमें प्याज डालते हैं कि नहीं? सूखी मेथी डालते हैं, ये मिर्ची डालते हैं। ओके, ये वाली मिर्ची, सूखी मेथी, गरम मसाला। अच्छा मैं इस तरह से हाथ से मिर्च पकड़ू ना, तो मेरे हाथों पे मिर्चें लगती हैं, पता नहीं क्यों। कौन है ये लोग? लेकिन मामा को नहीं लग रही यार, प्रो मामा है मेरी। ठीक है, और अभी हम लोग फ्राई करेंगे गर्मा गर्म से पकौड़े। हाँ नमक, नमक से मुझे वो पकौड़े वाला प्रैंक याद आ गया। तो इसमें सारी चीजें डाल ली है, और क्या रह गया? खुश्क धनिया डाले। डेफिनेटली मामा पकौड़ों में खुश्क धनिया तो जाता ही जाता है। मैं भी आज सबको यही बताई थी कि मेरी अम्मा ने मिक्स सब्जियां बना ली हैं कि मेरी तियां और कुछ ना खान। सिर्फ सब्जियां खाए। तुम लोगों ने खाना तो है, अपने लिए भी ना बनाऊंगा। मैंने कहा था हमारे लिए बनाया, कह रही हूँ मुझे अच्छी लगती है। चिकन भी बनाया, चिकन कढ़ाई बनाई है अम्मा ने, वो भी बाहर पड़ी हुई है। तो भाई ये सब डाल दिया है अंदर। तो भाई इसका जो की इंग्रेडिएंट है ना, वो ये है कि कुछ भी नहीं। अच्छा, मतलब पानी नहीं डालना आपने, आपने इसको ऐसे ही मिक्स करना है, मिक्स करना है, और देखिएगा खुद ही पानी छोड़ेगा, खुद ही हल हो जाएगा। और इससे पकौड़े इतने क्रिस्पी बनते हैं ना मम्मा, ये अपनी वो ट्रिक लगा दी मम्मा ने। ये थोड़े नहीं आलू, एक और काट। मम्मा मैंने कहा था हमारी फैमिली में ना अभी दो मेंबर्स जो हैं वो अभी आउट हैं, मतलब आपी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, तो हम लोगों ने इतना खाना नहीं है, साथ में समोसे भी होंगे, पकौड़े वो भी हैं, रोल्स भी हैं, तो कौन खाएगा इतना, तो थोड़ी थोड़ी चीज बनाते हैं मम्मा। वो मैंने दही बड़ों के लिए रखा हुआ है। तो भाई हमारे जो आलू है वो इस टाइम बॉइल हो चुके हैं। तो भाई रोजों में यही होता है कि चखने चखाने का बड़ा ही मसला होता है, कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी नमक कम हो जाता है, तो हम चख नहीं सकते हैं ना, तो फिर बस जैसे भी बनेगा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो भाई बस टाइम होने ही वाला है, तो हम यहाँ पे साथ साथ बर्तन भी लगाना शुरू करते हैं। और फातिमा मैडम ने जो डिकोर की थी, ये मैंने कहा कि मम्मा ये डिकोर ऐसे ही रहेगी पूरा रमजान। ओके गाइस, तो अब हम लोग काटने लगे हैं आलू जो कि बॉयल हो चुके थे फॉर दही बड़े। और मम्मा ने मुझे बताया कि दही बड़ों में पकौड़ियाँ भी डलती हैं जो कि मैंने डिप नहीं की थी, और टाइम थोड़ा रह गया, तो मैंने कहा ऐसे ही खाना पड़ेगा। खाली भी अच्छे लगते हैं ना, तो हम खाली बना लेंगे, और थोड़ा थोड़ा इस तरह से बड़े बड़े करके आलू कट करेंगे, छोटे 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 कर लेते हैं। दही बड़ों में आलू नहीं डालते। हाँ हम आलू खाएंगे गाइस, अच्छे लगते आधे इसमें डाल लेते, कल आधे उसमें डाल लेते। ओके गाइस, तो हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, तो मैंने सोचा यार बर्तन तो लगाना शुरू करे, रोजा तो खोले, फिर साथ साथ खाना आ जाएगा। तब तक हम इसको भी नीचे कर देते हैं, कोई बहन नहीं आ रही है मेरे साथ बर्तन लगवाने का, और वो बदला ले रहे हैं कि इफ्तारी में सहरी में तुमने हेल्प नहीं कराई थी, तो अब इफ्तारी में भी नहीं हम कराएंगे। खैर कोई बात नहीं, हम कितने लोग हैं, एक दो तीन चार पाँच, हम पाँच लोग हैं ना अभी फिलहाल, तो पाँचों के लिए प्लेट्स लगा दी। राबिया यार बात सुनो, खुलने वाले रोजा यार मेरी हेल्प करा दो, अभी पकौड़े भी नहीं बनाए हैं मैंने। ओके गाइस, तो आलम कुछ ये है कि जो हमारे क्रिस्पी से पकोड़े हैं, समोसे पकोड़े दोनों मिक्स हो गए, वो बन चुके हैं, और मैं यहाँ पे सामान ले आई हूँ सारा दही बड़ों का, और अब इनको टाइम है मिक्स करने का, और बाहर सब इफ्तारी का वेट कर रहे हैं, अजानों का वेट कर रहे हैं, और हीरा के आने का वेट कर रहे हैं। तो भैया हमारे पास टाइम बहुत कम है, फटाफट से सारी चीज़ें बनाते हैं और बाहर टेबल लगाते हैं। भाई अब आइए फातिमा, टाइम कम रह गया, फातिमा थोड़ी सी हेल्प करा दो, चीज़ें सजा के खड़ी हुई, अब इनको मिक्स करना है, थोड़ा मिक्स करने में हेल्प कर दो। और यहाँ पे पकौड़ों का सेकंड राउंड रेडी हो रहा है। क्या हुआ, मैंने तो कुछ ऐसा बनाया भी नहीं है। तो भाई पकौड़ों का ध्यान रखना इज सो इम्पोर्टेंट, साथ साथ जल गए तो फिर गाइस जल गए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने दही बड़ों पे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें हरी मिर्चें जो हमने कट की थी, फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जो हमने कट किए थे, ठीक है, फिर इसके बाद हमने आलू जो कट किए थे वो ऐड करेंगे। ये मुझे लग रहा है बर्तन थोड़ा हो गया, छोटा हो गया, थोड़े बड़े बनाने चाहिए थे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटोस, ठीक है, अभी से ऐसी खुशबू आ रही है जैसे वो स्टॉल से नहीं मिलते हैं, वैसी खुशबू आ रही है। और लास्ट में हम लोग ऐड करेंगे अपना दही बड़ा, आई थिंक इसको ऐसे करते हैं स्क्वीज,
पानी निकलेगा और फिर हम इसमें डालेंगे सारे। तो भाई हमारे जो दही भल्ले हैं, सॉरी दही भल्ले नहीं दही बड़े, सो गाइस हमारे जो दही बड़े हैं वो ऑलमोस्ट रेडी है। बस थोड़ी सी ऊपर गार्निशिंग वगैरह करनी है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी भाई, जो अमिया किचन में खड़े होकर काम करती हैं, जितने भी लोग मल्टीटास्किंग करते हैं रोजों में भी और रोजों के बाद भी, यार सैल्यूट टू ऑल मॉम्स, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, एक चीज रखो दूसरी जल जाती है। मैं पहली दफा इस तरह से किचन में काम कर रही हूँ कि मैं डिफरेंट डिशेज बना रही हूँ ना, तो एक पे ध्यान दो तो पीछे से दूसरा देखो जल जाता है। तो भाई इट्स अ मल्टीटास्किंग जॉब और जो जो करता है सैल्यूट टू ऑल। तो भाई अब हम लोग अपना मेन्यू रेडी करते हैं और हीरा भाषण ज्ञान बंद करो और जाके टेबल से जाओ। तो भाई पकौड़ों के बाद अब फ्राई हो रहे हैं हमारे समोसे। यार मेरे समोसे फ्राई हो रहे हैं, तब तक प्लीज प्लेट में खजूरें डाल के रख दो वहाँ पे, इतनी तो हेल्प करा दो। ऑलरेडी पड़ी है बस ठीक है, चलो शुक्र है इतना तो काम किया इन्होंने। और मैं आपको दही भल्लों की जो फाइनल लुक है ना दही बड़ों की, वो बाद में दिखाऊंगी, बिकॉज मुझे लग रहा है ये देख देख कि यार आई अचीव समथिंग, ये इतनी अमेजिंग डिश बनाई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, क्योंकि यार रोजा रखा हुआ है भूख लगी है तो आपको हर चीज अच्छी लगेगी। लेकिन टेबल पे जाके दिखाती हूँ आपको। भाई अब यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं हमारे स्प्रिंग रोल्स। ओके गाइस, तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की जो इफ्तारी है वो रेडी हो चुकी है। मतलब अब कुछ बनाने के लिए नहीं है, सिर्फ मामा ने आके रोटियां बनानी है, दैट्स इट। वो भी रोटियां हम पहले इफ्तारी कर ले, उसके बाद खाना खाएंगे तो फिर रोटियां बनाएंगे। सो अब बारी आ ही गई है टेबल सेट करने की। ओके गाइस, तो थोड़ी ही देर में रोज़ा खुलने वाला है और मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने टेबल पे क्या क्या लगाया। भाई सारी चीज़ें सेट कर ली हैं, यहाँ पे हमने थोड़े से समोसे फ्राई किए हैं, फिर ये मेरी जो कहते हैं ना मेन डिश विच इज़ दही बड़े, और ये मैंने कोई पता नहीं कुछ ऐसा लग रहा है कुछ डिफरेंट अचीव किया, बहुत ही यमी लग रहे हैं। आप पता नहीं खा के टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसे हैं। और यहाँ पे हमारे पास पकौड़े, देन वी हैव खजूरें, देन वी हैव स्प्रिंग रोल्स, फिर हमने ये और ये भी रख लिया साथ। मामा ने रोटियाँ अभी से ही बना ली हैं, चिकन कढ़ाई पड़ी हुई है, मामा का वो सालन पड़ा हुआ है वो भी ला के रखते हैं, मुझे अभी याद आ रहा है चीज़ें भूल रही हैं। खाना बाद में खाएंगे, चले ठीक है, अभी सिर्फ इफ्तारी करते हैं, इन चीज़ों से रोज़ा खोलते हैं और फिर हम खाना बाद में खाएंगे। चले आप लोग आ जाए टेबल पे, थोड़ी देर में अजाने होने वाली हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरी मामा आ चुकी हैं, सब चीज़ें देख रही हैं, अगर ये मेरी बेटी नहीं बनाई है ठीक है। आ जाओ यार सब लोग, एक तो हेल्प नहीं की, दूसरा भी इकट्ठा भी करके इनको बुलाओ कि भाई आ जाओ खाना खा लो। तो भाई यहाँ पे आ चुकी है राबिया, तो रोजे का पता ही नहीं चला, मौसम ठंडा। हाँ, यहाँ पे आ गई है जैनब बेबे, मानो आ चुकी है हमारी क्यूट सी, ठीक है बैठे हैं आप तो शीट रखें। जला क्यों दिए? क्या हुआ, जले नहीं है, मैं ना यहाँ पे ये दही बड़े बनाने लग पड़ी और पीछे से ये जल गए। गजब बेइज्जती है। फिर मुझे आइडिया हुआ कि जो औरतें किचन में काम करती हैं ना बहुत मतलब पागल हो जाती है। एग्जैक्टली, उधर से बेटी को नाश्ता दो, उधर से चाय रखी होती है, इधर सालन भी रखा होता है, साथ प्याज भी काट रही होती, कुछ नाश्ता देना। अरे नॉर्मल डेज की बात कर रही है कि जब भी देना होता है ना तो अभी नाश्ता होता है तो हमारा दोपहर का खाना आ जाता है। औरत को एक्स्ट्रा पावरफुल होना जरूरी है, और औरत को औरत एक्स्ट्रा पावरफुल है भाई, लड़ लो राबिया से। ये कह रही हूँ आपने ये सब कुछ विदाउट टेस्टिंग बनाया है। हाँ एग्जैक्टली, और मुझे नहीं पता कि क्या है। अभी राघव नंबर मिलेंगे अगर सब कुछ परफेक्ट अंदर हुआ। डन 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 डन, देखते हैं कैसा होता है। लगाओ यार थोड़ी अजाने को पता चल जाए, इधर वैसे आ रही आवाज, अभी नहीं आएगी, इधर आएगी आवाज ना। तो भाई अब ज्वाइन किया हमें फातिमा ने, फातिमा को भी यहाँ पे चेयर दे दे। मामा यहाँ पे आ जाओ फातिमा, जल्दी रोजा खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। ऐसे लग रहा है मेरे घर गेस्ट आए हैं, बस यूज़ करते हैं। एक समोसे की प्यारी थी, लो ना खाओ, कुछ नमकीन होना चाहिए सुबह से, पानी भी डालो। यहाँ पे सब लोग इफ्तारी कर रहे हैं, पकौड़े अच्छा पास हो गई थी। ये तुम्हें कैसे लगे हैं? अच्छे लगे हैं, ये तो फ्राई किए हैं बस, क्योंकि इन चीजों में तो हमने नमक पर चखी हुई थी ना पहले के बने हुए पकौड़े, आज से बने समोसे मामा ने बना लिए थे, पकौड़े मैंने फ्राई कर लिए, समोसे तो मामा ने पहले से ही तैयार करके दही भल्ले खाने वाले हैं ना, वो दही भल्ले तो मैंने यार यमी से बनाया, रोल भी बनाया इसने, पकौड़े भी बनाए, सब कुछ बनाया, सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा। और ये पकौड़े पता कितने मजे के बने, सिर्फ आलू और बेसन और सिर्फ वो पालक वगैरह डाल दे, हां चिप्स टाइप बने हैं। और पता है क्या खुशी ज्यादा होती है कि जब रोजादार को आप खाना खिला दो ना और उनको पसंद आ जाए। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, बस दुआ करना आप मेरे लिए। अब ये मजे की, चलो मस्कीनों की तरह भाई मैं तो माँ बाप और मैं तो किसी की भी दुआ की भूखी हूँ, जिसका दिल करे दुआ दे दे मैं पानी पी लूंगी, और मैं भूल गई।
मैंने भी कर दिया आपको अगर ना थोड़ा सबर या हौसला ना रखो तो ये सारा एक टाइम में मैं अपने अंदर ले जाऊँ। इसमें थोड़ा नमक कम इसमें दही बड़ो कोई बात नहीं नमक टेस्ट कर लेंगे क्योंकि ये होता है अक्सर आपके साथ ना जब आप बनाते हो तो आपको नमक मिर्च का हिसाब नहीं डाला। मैंने डरते मैंने कहा यार कम हाँ कम हो जाए तो आप बाद में ऐड कर लोगे ज्यादा हो जाए तो कुछ नहीं हो सकता। ये देखना ज़ैनब वो कैसे खा रही है फटाफट ये दोनों लगी हुई हैं। एग्जैक्टली ये तो भी रिफ्रेशमेंट है खाना मम्मा ने बाद में कढ़ाई बनाई हुई है मिक्स सब्जियां बनाई हुई है रोटी बना दी है पहले से जिसने खानी है अगर भूख है तो जाके खा लो मुझे तो भूख नहीं है मैं भी फिलहाल यही चीजें खा रही हूँ रोटी बाद में। तो भाई मैंने अपनी प्लेट दोबारा फिर से बना ली है क्योंकि दिल कर रहा है खाई जाऊँ क्योंकि मेरे अपने हाथों का बनाया हुआ है ना। तो भाई ज़ैनब उठ चुकी है टेबल से रबिया भी उठ चुकी है डन 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 और ये मैडम अभी तक मोहतरमा खा रही है इतनी बरकत है सबने खा भी लिया पेट भर फिर भी हमारा सामान नहीं खत्म। एग्जैक्टली और पता है आपको मैंने ना बहुत ही थोड़ा थोड़ा इसीलिए बनाने की कोशिश की है क्योंकि एकदम खाना होता है हाँ। पेट भर लो खाना नहीं खाता तो ये सिर्फ हमारी रिफ्रेशमेंट है अभी हम इसके बाद खाना खाएंगे। ओके गाइस तो इफ्तारी करने के बाद हम लोगों ने खाना खाया चाय शाय पी और अभी इस टाइम पेट फुल है मैंने कपड़े इसलिए चेंज कर लिए बिकॉज आई हैव टू रिकॉर्ड अ वीडियो जो कि हो चुकी हुई है और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर प्लस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो।